अबरी के वहाँ मायावती के अखिलेश भैया, देखिए वहाँ अखिलेश भैया ज्यादा ताकतवर हैं और वही चुनाव जीतेंगे। संजय यादव जी और लिट्टिया काले रखे, ये लिट्टी इसलिए रखे हैं कि कलकत्ता में किसान आंदोलन चल रहा है। मंच पर राकेश टिकैत हैं, योगेंद्र यादव भी हैं यहाँ पर, ये भी मौजूद हैं। ये लिट्टी है जी? जी लिट्टी है। नाम क्या हुआ? मैं संजय यादव गोरखपुर से आया हुआ। कौन है? संजय यादव गोरखपुर। संजय यादव जी, और लिट्टिया काले रखे? ये लिट्टी इसलिए रखे हैं कि पूरे देश में भूख से व्यापार करने जा रहे हैं माननीय मोदी जी, क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं को MSP का रेट तय नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। और MSP मैं पूछना चाहता हूं माननीय मोदी जी से कि मोदी जी बनारस से MP हैं और योगी जी गोरखपुर से MP हैं, ये बता दें कि गोरखपुर और बनारस में इन लोगों ने किसानों को गेहूँ कितने MSP किस रेट पर दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे देश में मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, सीधा झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। देश के नौजवानों को गुमराह किए, देश के किसानों को गुमराह किए, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे आप कलकत्ता में खड़े हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो यहीं कलकत्ता में अपना जमा के पूरे देश पे और देश पे राज किया, वही मोदी जी आज अडानी अंबानी के चक्कर में पूरे देश के नौजवानों को किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। वो भूख से व्यापार करना चाहते हैं, वो MSP लागू नहीं करना चाहते, वो कंटेंट खेती कराना चाहते हैं और वो भंडारण करा के पूरे देश के किसानों का अनाज धीरू भाई अंबानी के हाथ में कर गिरवी रखना चाहते हैं और पूरे देश को गिरवी रखना चाहते हैं। इस साल तो यहाँ चुनाव है, देखिए इस साल यहाँ चुनाव है तो यहाँ ममता दीदी उनको चुनाव किसी हालत में ममता दीदी कोई हरा ही नहीं सकता, इसलिए कि वो आयरन लेडी हैं। आपको जानते हैं कि जब MP का चुनाव हुआ था तो भी पूरे भारत में यहाँ बंगाल में ममता ने उन लोगों को हराया था, तो ममता तो उनको हरा के 18 सीट आ गया था भाजपा, देखिए भले आ गया था लेकिन केंद्र में यहाँ से उनकी मजबूती नहीं मिली थी। हर जगह सरकार बदल गई थी लेकिन बंगाल में सरकार नहीं बदली थी। बंगाल तो आपके यहाँ अभी तो आपके जिले में, आपके राज्य में, सॉरी, देखिए कभी भी बंगाल में कम्युनिस्ट आ सकते हैं, कांग्रेसी अभी यूपी में है, यूपी में BJP है मैं मानता हूँ, तो यूपी से भी BJP जाने वाली है, ये जान लीजिए कि यूपी से भेज दिया, किसान माने योगी जी को भेज दीजिएगा, अरे 100% योगी जी के पास है, वहाँ के पास सिर्फ नाम बदलने का काम है। अबरी के वहाँ मायावती के अखिलेश भैया, देखिए वहाँ अखिलेश भैया ज्यादा ताकतवर है और वही चुनाव जीतेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ जो यूपी की बात आप कर रहे हैं, यूपी में योगी जी ने कोई काम नहीं किया है, खाली वो नाम बदलने का काम किए हैं। चलिए चलिए, तो यादव जी हैं यूपी गोरखपुर से आए हैं जी, गोरखपुर से कलकत्ता आ गए हैं किसान बिल का विरोध करने। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए, बने रहिए। जय भीम, जय भारत।